नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण हाई स्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर, धोरण 9 विषय हिंदी बाय जेके चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपनो हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मन मोहिनी प्रकृति की गोद में जा बसा है, सुख स्वर्ग सा है वह देश कौन सा है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश दो रहा है, जिसका चरण निरंतर रत्नेश दो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हो, नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हो, सिंचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कुंदनाज मेवे, जिसके बड़े रसीले फल कुंदनाज मेवे, सब अंग में सजे हैं वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसूद प्यारे, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसूद प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। विद्यार्थी मित्रों, वह देश हमारा भारत वर्ष है और आज हम पढ़ेंगे काव्य 10 भारत गौरव, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी सन में और निधन सन 1964 ईस्वी सन में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सारा बोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्रकवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के शीर्ष पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्श का भी चित्रण किया है। तो हम देखते हैं भारत गौरव। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है, वह कौन भारत वर्ष है। आवृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिर मोर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की बहुमूर्तियों का यह प्रथम भंडार है,
विधि लिखिया नर सृष्टि का, पहले यही विस्तार है, पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी ऊंचता के आज भी कुछ है खड़े, आज भी कुछ है खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, विस्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे कभी, निचेष्ट होकर किस तरह बैठ सकते थे कभी, निचेष्ट होकर किस तरह बैठ सकते थे कभी। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। इस कविता में कवि ने भारत की सभ्यता और संस्कृति का वर्णन किया है, भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन किया है, और हमारा देश कौन कौन से कारणों से महान है, उनकी महानता का क्या रहस्य है, वही हमें बताने का प्रयत्न किया है। पहले प्राकृतिक सुंदरता से कवि काव्य की शुरुआत करते हैं। भूलोक पृथ्वीलोक का गौरव प्रकृति का लीला स्थल कहाँ, हरियाली के साथ पुण्य का कार्य किया है, और अनेक महान पुरुषों ने लीलाएं की हैं और लीला स्थल बनाए हैं। हिमालय नाम का पर्वत चारों तरफ फैला हुआ है, इसकी सुंदरता से घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमारे नज़र में आते हैं। एक और समुद्र है तो दूसरी ओर बर्फीले हिमालय है, एक और रेगिस्तान है तो दूसरी ओर घने जंगल है, एक और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है तो दूसरी ओर मैदानी इलाके हैं। प्रकृति के ऐसे सारे रंग किसी अन्य देश में नहीं है। भारतीय मौसम दुनिया के मौसम से बेहतर है, यहाँ चार ऋतुएं हैं, और ऐसा पवित्र हमारा देश है जहाँ गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है, जिसे सुर नदी भी कहा गया है, देव नदी भी कहा जाता है, और भारत में सदियों से गंगा जल के प्रति आस्था है वह बरकरार है। सनातन धर्म में गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया गया है, इसलिए भक्त अपने घर को पवित्र रखने के लिए गंगा जल अपने घर में रखते हैं। गंगा जल मोक्ष प्रदान करने वाला है, पूजा अर्चना शुद्धिकरण अभिषेक और कई धार्मिक अनुष्ठानों में भी उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसी पवित्र भूमि हमारी कौन है, धरती भारत माता की है, जहाँ हिमालय है और गंगा नदी का जल है। संपूर्ण देशों दुनिया के सारे देशों में हमारे देश का सबसे बड़े उत्कर्ष है, प्रगति है, और हम दिन व दिन प्रगति करते ही रहते हैं, जो ऋषियों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि अनेक ऋषियों ने यहाँ पर जन्म लिया है। सप्त ऋषियों के अलावा कपिल, कर्ण, गौतम, वेदव्यास, बृहस्पति, शंकराचार्य आदि ऋषि यहाँ हुए हैं। संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, कबीर, रामानंद जैसे भक्त हुए हैं, रैदास, मीराबाई, गुरु नानक, तुलसीदास, ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा हमारे देश में हुए हैं, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, विठलनाथ, गुरु गोविंद सिंह, ऐसे कई ऋषियों की यह भूमि है। वह कौन है, तो हमारा भारत वर्ष है। तो इस पंक्ति में कवि ने हमारी प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ हमारे देश की उन्नति को बताया है, और हमारा देश ऋषियों की भूमि है, जहाँ ऋषियों का, संतों का, भक्तों का भंडार है, वह हमारा भारत वर्ष है। कुछ शब्दार्थ भी साथ में ले लेते हैं।
भूलोक तो उसके बीच में योजक चिन्ह है, यानी पृथ्वी लोक, संसार तो गौरव, गरिमा, प्रकृति तो मौसम, ऋतुओं, पुण्य तो पाप, लीला स्थल तो तत्पुरुष समास है, लीलाओं का स्थल, मनोहर मन को हरने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द है, गिरी पर्वत, हिमालय हिमगिरी समानार्थी शब्द है, गंगा का जल तत्पुरुष समास है, गंगा भागीरथी मंदाकिनी ये उनके समानार्थी शब्द है, उत्कर्ष तो उन्नति प्रगति, ऋषि भूमि तो तत्पुरुष समास है, ऋषियों की भूमि। दूसरी काव्य पंक्ति देखते हैं। हाँ वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिर मोर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। सिरमौर यानी सबसे ऊंचा, वृद्ध आजकल का भारत वर्ष नहीं है, बहुत ही वृद्ध है। जब पहले पहल हवाओं ने चलना सीखा था, समुद्र ने लहराना सीखा था, तब से यह भारत वर्ष कितना पुराना पौराणिक देश है और संसार का सिरमौर है। ऐसा पुराना देश विश्व में कोई और नहीं है, भगवान की अनेक बहुभूतियों का भंडार है, भगवान ने अनेक जन्म लिए हैं, भगवान का यहाँ वास है, विधाता ने सबसे पहले नर यानी मनुष्य का विस्तार यहीं से किया था, यह पौराणिक हमारा भारत देश है। यूँ तो मनुष्य विकास क्रम में मनुष्य बना लेंगे, कहते हैं कि मनुष्य प्रारंभ में भारत में ही रहता था, शोधानुसार सप्तचरु देश के बाद वितस्ता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। प्रथम सृष्टिकर्ता मानव को स्वयंभू मनु कहा गया है और मनु ने ही सारी सृष्टि का सर्जन किया था ऐसा कहा जाता है। तो हमारा भारत वर्ष कोई आजकल का नहीं है, अनेक सदियों से वह पुराना हमारा देश है। जब हमने पहले पहल सीखा था समुद्र ने लहराना, तब से हमारा देश है और सबसे सिरमौर है, सर्वश्रेष्ठ है। हमारे देश में अनेक देवताओं ने भगवानों ने जन्म लिया है, इसलिए उन्हें बहुभूतियों का भंडार भी कहा जाता है। कुछ शब्दार्थ देखते हैं। सिरमौर तो सबसे ऊंचा शब्द समूह के लिए एक शब्द, पुरातन तो पुराना, संसार तो भंडार खजाना, सृष्टि तो सकल्प विश्व, विधि तो विधाता ब्रह्मा। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है, इस देश के निवासी आर्य है, उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया। यह प्रसिद्ध पुण्य भूमि है, आर्यवर्त के लोगों द्वारा इस्तेमाल स्वपदनाम के लिए किया जाता था। इस शब्द का उपयोग वैदिक काल में अखंड भारत के लोगों द्वारा एक विशेषण के रूप में किया जाता था। आर्य का अर्थ होता है आदर्श, अच्छे हृदय वाले, आस्तिक, अच्छे गुणों वाला व्यक्ति हो सकता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। आर्य लोगों का निवास स्थान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ईरान, इराक, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया था, उसे ही आर्यव्रत कहा जाता था। हमारे जो लोग थे वो कला कौशल में आगे थे, हमारे देश में अनेक रहस्यमय विद्याएं थी, जैसे कि प्राण विद्या, त्राटक, सम्मोहक, जादूकोट टोना, इंद्रजाल, तंत्र मंत्र यंत्र, पूर्व जन्म का ज्ञान, अंतर ध्यान होना, त्रिकालदर्शी बनना, संजीवनी, ज्योतिष,
सामुद्रिक वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा, धनुर्विद्या, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ आदि सैकड़ों विद्याओं का जन्म भारत में ही हुआ है और अनेक कलाएं भी हमारे देश में हुई है, जैसे कि भाषा, लेखन, नाटक, गीत, संगीत, नौटंकी, तमाशा, शिल्प, स्थापत्य, चित्रकला, साहित्य कला, नगर निर्माण, पाक कला, सोने चांदी हीरे पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा करना, अनेक बोलियां आदि कलाओं का जन्म हमारे देश भारत वर्ष में ही हुआ है। अनेक कौशल्यों लोगों के अंदर छिपे हुए होते थे, अनेक खेलों भी खेले जाते थे। आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में हैं, फिर भी अनेक महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव चिन्ह आज भी जीवित है, आज भी हम प्रगति कर सकते हैं। पुण्य भूमि, कुछ शब्दार्थ देखते हैं। पुण्य भूमि, पवित्र भूमि। पुण्य भूमि यानी जो पुण्य की भूमि होती है, वह शब्द समूह के लिए एक शब्द। निवास, तो निवास करने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द। कला में निपुण है वह कला कौशल्य, अच्छा आचरण करने वाला आचार्य, शब्द समूह के लिए एक शब्द। संतान, तो पुत्र। अधोगति, तो निम्न गति, अवनति। चिन्ह, तो निशान। उच्चता, तो श्रेष्ठता, भाववाचक शब्द भी है, और उच्च तो श्रेष्ठ। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। आर्यों के लिए कवि कहते हैं कि आर्यों में परोपकार की प्रबल भावना थी, उनका जीवन दूसरों की भलाई में ही बीतता था। वे महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष थे, उन्होंने जो भी लिखा दिया आने वाली पीढ़ी के लिए दिया। आर्य हिंदू दक्षिणपंथी कहे जाते थे और भारतीय सभ्यता उन्हीं से निकली है। ये घुड़सवारी, पशुपालन करने वाले योद्धा और चरवाहों की घुमंतु जनजाति थी, जिन्होंने हिंदू धर्म की प्राचीन धार्मिक ग्रंथों वेदों की रचना की है, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और उन्हीं वेदों में हमें जो बताया है उन्हीं के आधार पर हम आज भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर वेदों के रूप में वह ज्ञान संचित नहीं किया होता तो आज हम वही आदिवासियों का जीवन, आदि मानवों का जीवन जीते जो उन्होंने सभ्यता और संस्कृति हमें दिखाई है, वर्ण व्यवस्था सिखाई है। वही वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो कार्य सिखाए हैं वह आर्य लोगों की देन है। पशुपालन, खेती, नगर रचना, सभ्यता, संस्कृति आदि अनेक कार्य हमें उन्हीं के कारण ही मिले हैं। अनेक भाषाओं का ज्ञान उन्हीं के आधार पर मिला है। मोहनजोदड़ो की रचना, जो स्विमिंग पूल में हम मजे ले रहे हैं, उन्हीं की देन है। ऐसे समय पर ग्रीस, रोम, एथेंस का नामो निशान नहीं था, तब तो हमारे देश के आर्यों ने हमारे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था। सिंधु लोग द्रविड़ थे और वैदिक लोग आर्य थे। आर्य तो बाहर से आए थे और उनके सिंधु सभ्यता के बाद का काल माना जाता था। उन्होंने हमें अनेक किताबें, अनेक खेल, अनेक विद्याएं और अनेक औषधियों का दान हमें दिया है। स्वार्थ में लीन होकर अपने लिए कभी जिए नहीं थे, कभी उन्होंने मदिरा शराब दिया नहीं है, कभी अपने ही लोभ का मोह नहीं किया था। वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते हैं। परोपकार का उदाहरण हम देखें तो प्राचीन समय में सरस्वती नदी के तट पर ऋषि दधीचि का आश्रम था। ऋषि दधीचि वही आश्रम में रहते थे। उसी समय वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस का अंतक समग्र विश्व में फैला हुआ था। उस वृत्तासुर का अंतक देखकर देवता भी घबरा गए और उन्होंने वृत्तासुर को मारने के लिए ऋषि दधीचि के पास गए। ऋषि दधीचि के पास जाकर उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, वृत्तासुर को मारने के लिए आपकी अस्थियों की आवश्यकता है। आपकी अस्थियों से एक वज्र नाम का अस्त्र बनेगा
और उसी अस्त्र से वृत्तासुर मारा जा सकता है। ऋषि को कहते ही तुरंत ऋषि मान गए और ध्यान निष्ठ होकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उन्हीं के शरीर से, उनकी अस्थियों से एक त्वष्टा नाम के कारीगर ने एक वज्र नाम का अस्त्र बनाया और उसी वज्र नाम के अस्त्र से वृत्तासुर मारा गया। तो इसी प्रकार उपकार की भावना वो रखते थे। दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देते थे। वह कभी निश्चिंत होकर नहीं बैठे। उन्हें सारे संसार की चिंताएं थी और सारे संसार को सिंधु सभ्यता संस्कृति देनी थी। इसलिए उन्होंने अनेक प्रयत्न किए, अनेक कार्य किए, अनेक ग्रंथों के रूप में ज्ञान दिया और पौराणिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान के कारण आज हम ऐसा जीवन जी रहे हैं। इसी प्रकार कवि ने हमारे अतीत का वर्णन करके जो सर्वश्रेष्ठ है ऐसे लोगों को याद किया है। कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। स्वार्थ रत, स्वार्थ में लीन रहने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द। उपकार तो विरोधी है अपकार, हित का विरोधी है अहित, जन्म विरोधी है मरण, संसार तो विश्व। स्वार्थ रत केवल अपना ही लाभ देखने वाला, मदिरा तो शराब, निचेष्ट निष्क्रिय चेष्टा रहित। निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसलिए प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? तो भारतवर्ष संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए। विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे? आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल में आचार्य थे। आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। आर्यों की क्या विशेषताएं रही है? आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं, वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। दूसरा, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिर मोर है। तीसरा, विधि ने नर सृष्टि का विस्तार यहीं से किया है। चौथा, भारत के निवासी आर्य है। पांचवा, आर्यों की संतानों की आज अधोगति हो गई है। विकल्प की सही जोड़ मिलाइए। वृद्ध भारत ही संसार का सिर मोर है। दूसरा, विद्या कला कौशल के प्रथम आचार्य आर्य है। संपूर्ण देशों से अधिक भारत का उत्कर्ष है। भगवान की भवभूति का प्रथम भंडार है। भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। भारत के निवासी आर्य है। भाव स्पष्ट कीजिए। वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है। सिरमौर का अर्थ है सरदार अथवा श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था। भारत ने ही दुनिया को भिन्न भिन्न विद्याएं सिखाई और कला कौशल का ज्ञान दिया। इस देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारा देश संसार को सुख शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया उसके नेतृत्व को सराह रही है। दूसरा है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भवभूतियाँ अर्थात संसार के वैभव के उपकरण, सोना चांदी हीरे मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यही विकसित हुई। इस प्रकार संसार के केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का उपयोग भी यहीं से आरंभ हुआ है। विरोधी शब्द देखते हैं, अधोगति ऊर्ध्वगति। वृद्ध तो युवा, पुरातन नूतन,
प्रथम तो अंतिम, विस्तार तो संकुचन, पुण्य भूमि पाप भूमि, उत्कर्ष अपकर्ष, उच्च तो निम्न। कुछ समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द लिखिए। हिमालय तो हिमगिरी, गंगा तो भागीरथी, गिरी तो पर्वत, भूमि तो धरा, विश्व तो संसार, मदिरा तो शराब, निश्चेष्ट निष्क्रिय, उत्कर्ष तो उन्नति।